हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज को हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स रैली भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है अक्टूबर बैच 2022 को लेकर। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। कैसे इसको अप्लाई करना इस पड़ेगा और इसके अंदर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या दौर होगी, क्या सैलरी होगी, क्या लास्ट डेट है, क्या अप्लीकेशन के ऑनलाइन के स्टार्टिंग डेट है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और कैसे अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। सो गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इंडियन एयरफोर्स ओपन रैली की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो जो लोग यहाँ पर जो है इंडियन एयरफोर्स की वेट कर रहे थे वैकेंसी को लेकर, तो यहाँ पर फाइनली जो रैली है वो कंडक्ट कराएगी और यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर डिटेल्स की बात करें, कौन कौन सी डिटेल्स है इसके अंदर रिक्वायरमेंट बोर्ड ने की हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स होने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, आप ओपन रैली है तो इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या है जो कि यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया है। नेम ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर एयरमैन के ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। एंट्री नेम नॉन टेक्निकल है और ऑटो ट्रेड की बात करें यहाँ पर, तो ट्रेड की बात करें तो ऑटो टेक और इंडियन एयरफोर्स पायलट की आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन अप्लीकेशन है और इसके अंदर कैसे इसको अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन ही आवेदन करना है, अपने फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर फी पेमेंट मोड के बारे में, तो कोई फी चार्ज आपसे नहीं ले जा रही, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जॉब के डेट डिफेंस के जॉब आपको देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग बेसिक पे की बात करें तो 49,900 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 49,900 पर मंथ जो है वो स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड से आपको जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो अटैच कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर सकते हो, आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों। जेंडर मैंने आपको बताया था कि दोनों अप्लाई कर सकते हो, महिला पुरुष दोनों के लिए आई है, और अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके अंदर आपको बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे कितनी मांगी जा रही है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी कॉलेज से हो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, चाहे आप साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर बायोस हो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर आपको कितना मार्क्स चाहिए, तो ऑल ओवर मिला के यहाँ पर जो चाहिए वो इंग्लिश के अंदर वो 50% मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर और भी डिटेल्स के बारे में, अगर कोई वोकेशनल कोर्स किए हैं, 12th पास नहीं किए तो वो भी कर सकते हो। इसके अंदर जो आयु सीमा आपसे मांगी जा रही है वो 18 से 25 साल के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। एज रिलेक्शन इसके अंदर आप देख लेना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, सबसे पहले क्या क्या इसके अंदर आपको जो है वो अटैच करके यहाँ पर लगानी पड़ेगी, 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको अटैच करनी पड़ेगी। एनसीसी अगर है तो अटैच करना, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से अगर आप 18 से कम यहाँ पर जो है नीचे हो तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर आपको अटैच करके लगानी पड़ेगी। ये सारा कुछ आप देख लेना, रीड कर लेना। इसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगी वो क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम जो आपका लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश एवं हिंदी दोनों, एग्ज़ाम लैंग्वेज जो होने वाली है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पर जो है पेपर लिया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होगी, OMR सीट पे होगी, और रिटर्न टाइम 45 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसके अंदर यहाँ पर जो है मेंशन है, यानी कि आपको जो है अगर आप 4 सही करते हो तो आपको 4 नंबर्स मिलेगा, अगर आप 4 गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। वहीं सिलेबस की बात करें तो 10+2 के सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर जो आपसे जो मांगी जा रही है वो मिनिमम आपका जो रेंज होना चाहिए चेस्ट का मेल के लिए वो 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। वेट हाइट आपस में प्रोपोर्शनल, कोई भी सर्जरी बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और हेल्थ आपका नॉर्मल होना चाहिए अगर आप मेडिकल देने जा रहे हो तो। वहीं बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे इसके अप्लाई करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर दिया गया अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, मोबाइल से कैसे अप्लाई करना, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, तो 14 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करें 24 सितंबर 2022, यानी कि 14 से 24 के बीच ये चलेगी, तो बिल्कुल आराम तरीके से कर सकते हो। कहाँ से करना है, तो अप्लीकेशन ऑनलाइन यहीं से होगी, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिया गया, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया, तो मैं इस वेबसाइट को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर गूगल में भी सर्च करके जा सकते हो sarkarigovernmentvacancy.com, और यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना और यहीं से आपको अप्लाई करना है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, तो जय हिंद जय भारत।